सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं कुमाऊनी भाषा का पार्ट 14 लेकर आई हूँ। इस पार्ट में हम सीखेंगे दुकानदार और ग्राहक के बीच कुमाऊनी में बातचीत ऐसे करनी है। मैं आपको कुमाऊनी भाषा को हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी बताऊंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको रोज करनी पड़ेगी। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने उत्तराखंड की भाषा, परंपरा, रीति रिवाज और खान पान को देश विदेश और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहाड़ी बोलना, कुमाऊनी भाषा में बोलना। नमस्कार बहनी, बता मैं तुम्हारी की सेवा कर सकछु? दादा नमस्कार, मैं लापन चेलहिन कपड़ खरीदन छन, कपड़ दिखा दियो। अरे आ बहनी, आ दुकानक भीतर आ। दाजू यो लाल ड्रेस कतके छ? यो ड्रेस तो 2000 रुपया छ। और यो नीली वाली ड्रेस कतके छ? यो तो 2500 रुपया छ। दाजू नीली वाली ड्रेस 1800 दीदी और उस पैक कर दियो। बेनी ये तो एक तो खरीद लेना थिन, एक दाम दीदी 2200 रुपये दीदी तुम। दाजू ठीक छे, ना तुम्हारी ना मेरी, 2100 रुपये में पैक कर दी। ठीक छे बेनी, ठीक छे, पैक कर दी छू। दादा यो लहंगा कतकोक छे, कतकोक देला तुम? युवा लहंगा 10000 रुपये छे। बाप रे दादा, ये तो महंगो, हर कम कर। यो वाल तो इतके ही महंगो छे, कम ने हैसा करूं बहनी? ए में एक किचे जो कि इतको महंगो छे? बहनी ये लहंगा में पूरो काम हाथे कर रख छो और कपड़ा ले एको जॉर्जटोक छे। ठीक ना दादा, इतको महंगो थोड़ी छे जतो आप बतुनो छे। बहनी तुम कहां ले पत कर ले है, यो लहंगो तुम उस इतको को देल, सबे दुकानदार यो ही रेट में दिन्यान। अरे दादा थार तो कम कर। ठीक छे, तुम बता तुम कतुक तक लेला? दादा मैं तुम उस 8000 तक दे दूं। बैणी तुम 8000 को दूसर लहंगे देख ली। लेकिन मैं से यही पसंद ना रियो, देख ली भैया थार कम कर दी। ठीक छे, न तुम्हारी न मेरी, 9000 में ले लियो। ठीक छे दादा, तुम इस पर 8500 में दे दी और एक पैक कर दी। ठीक छे बहनी, ठीक छे, ली जाओ। फिर उन्हें रहया और मेरी दुकान बैठे लिया। बापे आज तो देर है गए, अब परसों आप दुकान में जाचु, वहां के मेन तेल खरीदना छे। दाजू तेल दे दिया तो? तुम उस कतुक लीटर चे आ छे? 1 लीटर वाल 2 बोतल दे दी और बता कतुक पे सुनान? 2 बोतल तेला के 250 रुपए हुनान, 250 रुपए दे दी तुम। बेनी ये ठीक कुनो छा तुम, यो बोतल बाजार में 100 रुपए की छ, लेकिन यो बाजार है दूर छ, इसलिए यो बोतल यहाँ 125 रुपए एक छ। तुम 125 रुपए, 125, 250 रुपए दी थी। आल तो मैं तेल बहुत जरूरत छ, इसलिए खरीदन पड़ल, लेकिन एक शिकायत में जरूर करनो। माफ करिया बेनी, आज बैठे मैं जो है महंगो कभी न दूं और दुकानदारों से बता दूं, लेकिन शिकायत के चक्कर में जन पड़या। दाजू आज बैठे तुम बिल्कुल कैसे जन थक गया, अगर तुम सामान महंगो लगा लात तुम्हारी बिक्री बंद है जाल और तुम्हारी दुकान ठप है जाल। बेनी तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद, तुमूल मेर आंख खोल दी छिन। आज बैठे मैं कैसे ले महंगो सामान न दियूं और जो रेट होल उही रेट पर सामान दियूं। ठीक छे ठीक छे, अब बैठे तुम रेट कम लगाया तुम्हारा दुकान में उन, अब देर है गए, मैं घर जान छे और घर जावे खान पकोन छे, मेरे ननतीनु मेरे घर में इंतजार करने वाला। ठीक छे बहनी, फिर आया पे हमार दुकान में। आपने देखा सुना कि कुमाऊनी भाषा बोलना कितना सरल है, क्योंकि यह भाषा हिंदी भाषा से बहुत मिलती जुलती है। मैं भी अपना वीडियो अब यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूंगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कुमाऊनी भाषा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। नमस्कार, प्रहलाद।